गुड मॉर्निंग मैम, हमारे मैम के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। नमस्कार बच्चों, आप लोगों को आज देखिए बताएंगे कमल के पौधे। कमल का पौधा बहुत ही महंगा मिलता है, तो कमल के पौधे को यदि आपके आपको यह पौधा कहीं पर है तो उसकी पत्ती मिल जाए तो देखिए आप बहुत महंगा मार्केट में मिलता है। तो कमल के पौधे आप कैसे बना सकते हैं घर पे ही, वो आज शुरू से ए टू जेड बताएंगे। तो देखिए कमल का पौधा बनाना आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए जैसे इस टाइप की पत्ती है, देख रहे हैं पत्ती में यहाँ पे छोटा सा नॉट बना है, ये देखिए इसमें अच्छे से बना है। तो सबसे पहले तो आप ये पत्ती काट लीजिए और इसको गोलाई में इस प्रकार काट दीजिए। और बरसात में बहुत जल्दी बनता है, मार्केट में बहुत ही अच्छा महंगा मिलता है। तो ये कहीं से आपको पत्ती, ये देखिए काट लिए नॉट छोटा सा, और इसको साफ पानी में, जैसे ये साफ पानी इसमें डाल देंगे, ये करीब हफ्ते 10 दिन में छोटा पौधा इससे इसमें बन जाएगा। ये देखिए साफ पानी में डालना है, इसमें छोटा पौधा हफ्ते 10 दिन में बन जाएगा। हाँ ये देखिए बच्चों, आप लोग हमारा जो एक हफ्ते पहले, हफ्ते 10 दिन पहले जो डाले थे काट के छोटा सा, ये देखिए इसमें पौधा बन गया। और नीचे देखिए छोटा सा जड़ आ रहा है, उसके चारों तरफ पुरानी पत्ती झड़ गई और ये ऐसा छोटा पौधा निकल आया। इसमें देखिए सब तरफ जड़ आ रहा है। अब इसको दूसरे टब में मिट्टी खाद डाल के लगाएंगे, चलिए वो भी आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए हमारा ये पौधा जड़ है इसमें, और ये यहाँ पे मिट्टी देखिए, इसमें पानी बाद में डालेंगे। ये देखिए मिट्टी है, मिट्टी में थोड़ा सा गहरा करें और इसको, ये देखिए हमारा पौधा बन चुका है। तो इसको यहाँ पे रख दिए और थोड़ी सी मिट्टी से दबा देंगे। इसको बाद में थोड़ा और बड़ा हो तो बड़े टब में करेंगे, आप एक ही साथ बड़े टब में लगा सकते हैं। ये 15 दिन से 1 महीने के बीच में यह बड़ा होने लगेगा। तो देखिए कमल का पौधा उगाने का आप लोगों को यह तरीका बताए हैं, बहुत महंगा मिलता है, कहीं से पत्ती मिले तो आप घर पर ही यह कमल का पौधा बना सकते हैं। देखिए एक चीज और बता दें, जब भी आप कमल लगाएं, कमल का पौधा, इसमें छोटी मछली, हमारे सभी में डला है, छोटी मछली डाल दें। और यदि इस प्रकार पानी में गंदा होने लगता है साफ करने के बाद भी, तो आप थोड़ी सी एक चुटकी फिटकरी डाल सकते हैं। तो आप जब भी कमल लगाएं फिटकरी और मछली जरूर डालें, हमारे सभी टब में मछली फीस डला है। ये देखिए हमारा यहाँ देखिए कमल का पौधा जो उगाए थे 1.25 महीने पहले, देखिए बढ़ रहा है, इतना बड़ा हो गया है। अब इसको दूसरे पॉट में देखिए कितना सुंदर बढ़ गया है। अब इसको दूसरे सीमेंट के पॉट में करेंगे, इस प्रकार सीमेंट के पॉट में इसको ट्रांसफर करेंगे, देखिए कितना सुंदर बढ़ गया है। इसके और भी नाम है, जैसे कुमुदनी, वाटर लिली, अलग अलग नामों से भी इसको जानते हैं। इसके लिए हमको फीस में फीस रखे हैं, फीस डालेंगे, फिटकरी डालेंगे और खाद है, ये देखिए खाद। तो इसको दूसरे पॉट में कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको। ये देखिए इतना बड़ा हो गया है, बताते हैं इतना बड़ा हमारा यह वाटर लिली कुमुदनी का हो गया पौधा। इसको सबसे पहले सीमेंट के बड़े पॉट में कैसे लगाएंगे, सबसे नीचे इसको रखेंगे, सबसे नीचे देखिए इसको रखेंगे, इसके ऊपर
जस्ट इसके ऊपर इसको रखूंगी पॉट के अंदर। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालने के बाद ये वाला देखिए खाद डालेंगे, ये वाला खाद डालेंगे। और खाद डालने के बाद ये पौधे को पिछले वीडियो में बताए थे, पौधे को एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर करते पिछले वीडियो में बताए थे, उसी प्रकार इसको दूसरे वीडियो में ये बताए थे उस प्रकार से इसको दूसरे पॉट में ट्रांसफर करेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा फिटकरी डालना है, जैसे फिटकरी एक चुटकी डालेंगे ज़्यादा नहीं, इस प्रकार से फिटकरी डालेंगे और खाद। और ये इसका फीस है, ये देखिए हमारा डेंगू मलेरिया ना हो उसके लिए, देखिए इसमें फीस है, तो डेंगू मलेरिया ना हो उसके लिए फीस डालना बहुत ज़रूरी है ताकि डेंगू मलेरिया का खतरा ना रहे। और उसके बाद इसको बड़े सीमेंट के पॉट में करेंगे तो इसमें सवा महीने के अंदर इसमें फ्लावर आ जाएंगे। बड़े पॉट में इसलिए रखेंगे क्योंकि इसका बड़ा फ्लावर आएगा। तो देखिए आपको क्रमवार बताए हैं, उसके बाद में ये मछली का चारा देंगे। और हमारा ये देखिए ये फिश इसमें बड़े पॉट में फिश को डालेंगे। तो इस प्रकार से कमल का पौधा सीमेंट के पॉट में ट्रांसफर करेंगे। ये खाद फिटकरी सब डालेंगे इसमें। ये देखिए इसी प्रकार आप लोग कमल का पौधा घर में ही उगाइए, घर में उगा सकते हैं कमल का पौधा, एक से कई इसको बना सकते हैं और फीस जरूर डालें।